झारखंड में जो आज हेमंत सोरेन की सरकार है, ये सरकार ना तो यहाँ के लोगों के हितैषी है, ना आदिवासियों के हितैषी है, ना ओबीसी के हितैषी है। वास्तव में झारखंड की सरकार अगर हितैषी है तो दलालों के और बिचौलियों की। जो झारखंड के हितैषी का जो दंभ भरते रहे ये सरकार, लेकिन वो पूरी तरह से अब उतर चुका है। झारखंड की जनता उनको अब अच्छी तरह से समझ चुकी है। आप याद करिए, जब रघुवर दास की सरकार थी तो उन्होंने तो 2016 में 1985 को कट ऑफ डेट जारी किया और तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति में अगले 10 वर्षों के लिए उन्होंने पूरी तरह से रिजर्व कर दिया था। लेकिन हेमंत सोरेन के सरकार आते ही उसको इन्होंने खारिज कर दिया। तो आप तो झारखंड की जनता, यहाँ के नौजवान खुद ही उस पर विचार करेंगे भाई, झारखंड के नौजवानों के लिए यहाँ के लोगों के हितैषी की सरकार बीजेपी की सरकार रही है कि हेमंत सोरेन की सरकार रही है, ये आप बिल्कुल अस्पष्ट हो चुका है। क्योंकि आप जो सरकार बार बार जो दावा कर रही थी कि 1932 उसके लिए यात्राएं निकाल रही थी, और आप तो उनके पास कुछ भी कहने को नहीं है। अब क्लियर हो गया भी, अगर उसी को उन्होंने करते कि जो रघुवर दास जी ने जो 1985 को कट ऑफ डेट किया था और झारखंड के नौजवानों को 10 वर्षों के लिए यहाँ की सर्विस को जो रिजर्व किया था, उसको और आगे 10 वर्षों तक हेमंत सोरेन चाहते तो वो बढ़ा सकता था, लेकिन उसको पूरी तरह से समाप्त करके उस पर उन्होंने कुछ नहीं किया। तो अब झारखंड की जनता पूरी तरह से देख रही है कि झारखंड के लोगों के हितैषी कौन है और झारखंड के नौजवानों के हक को मारने वाले कौन है, वह बिल्कुल अस्पष्ट हो चुका है। कावलान जी, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि अभी हमारे पास बहुत सारा अस्त्र है, सारे अस्त्र आप लोगों के पास ही नहीं। हम लोगों ने तो अस्त्र कहाँ का, इसलिए तो कह रहे हैं ना, वो तो हर हमेशा राजनीतिक तिकड़मबाजी कर रहे थे, उसी अस्त्र के वो बात कर रहे हैं भाई। इसमें अस्त्र की क्या जरूरत है, सीधी सीधी बात थी झारखंड के लोगों के हितों की रक्षा करना, उसके लिए कानून बनाना, उसके लिए इनको यहाँ प्रोटेक्शन, उसके लिए विचार करती सरकार। तो ये तो राजनीतिक खेल ही वो खेल रही थी। अरे हम लोग कोर्ट में क्या फंसाएंगे, अगर वो गलत बनाएंगे। आप उस नियोजन नीति में आप पहले आप सब लोगों ने देखा, जो रिजर्व कैटेगरी तो 10 और 12 पास यहाँ और बाहर में भी पास करेंगे तो अप्लाई कर सकते थे। जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे होंगे वो बाहर से 10th और 12th करेंगे तो वो यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने कौन सा कसूर किया था। तो स्वाभाविक है लोग कोर्ट जाएंगे। उस समय ही हम लोग कह रहे थे कि ये भाई गलत आप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो कोर्ट लोग जाएंगे, कोर्ट इसको आपका निरस्त करेगी। वही हुआ, कोई नई बात तो उसमें हुआ ही नहीं था। जो बात हम लोग बोल रहे थे, सरकार को समझा रहे थे, या आपने गलत किया है तो गलत ही होगी। और मैं तो कहूँगा कि अभी भी आपने देखा होगा जो जिला की रोस्टर उन्होंने बनाई, क्योंकि मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूँ, आप सबको ध्यान में है कि राज्य बनने के बाद, क्योंकि झारखंड में आबादी की कंपोजिशन थोड़ा बदल गई, तो इसलिए आपको ध्यान में होगा जब सरकार हम चला रहे थे उस वक्त ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दे करके रिजर्वेशन की सीमा रेखा को हमने 73% ले गए थे। उस वक्त मामला अदालत में गई, लेकिन अदालत ने उसको पूरी तरह से खारिज नहीं किया था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो तमिलनाडु का मामला चल रहा है उस फैसला को आने दिया जाए और उसके बाद फिर आगे उस पर निर्णय हो किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार चाहे तो राज्य में जरूरत उनको महसूस होगी तो 50% से उस सीमा रेखा को आगे बढ़ा सकती है, उसके लिए भी उन्होंने फॉर्मूला तैयार किया था।
और पिछली जब रघुवर दास जी की सरकार थी उस दिशा में सर्वे और बाकी वगैरह उन्होंने शुरू की थी, लेकिन सरकार वो चली गई। तो कायदे से हेमंत सोरेन की सरकार को एक आयोग गठित करके, जिसको ट्रिपल टेस्ट भी कहते हैं, एक बार सर्वे करा लेते, और उसके बाद ओबीसी की आबादी चूँकि यहाँ बड़ी तादाद में है उसको ध्यान में रख करके, और फिर वो जो रिजर्वेशन की पॉलिसी ले आती ताकि उन लोगों के हक को भी मारा नहीं जाता। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने तो जिस प्रकार से रिजर्वेशन पर एक प्रकार से ओबीसी वर्ग को, यानी उनको नकार देना, यानी उनके और कुछ ध्यान नहीं देना, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। पिछले पंचायत चुनाव में भी हो गया, नगर निकाय की जो चुनाव थी पहले घोषणा हुई थी उस वक्त उन्होंने उसका कोई ख्याल नहीं रखा, बाद में जब कोर्ट लोग गए और कोर्ट ने कहा तब इन्होंने कहा कि हाँ फिर कराएंगे। अब पता नहीं कब क्या कराएंगे, अब तो कहीं कोई आता पता नहीं चल रहा है कि उस दिशा में कुछ सरकार कर रही है। तो इसलिए हमने कहा कि जो झारखंड में जो आज हेमंत सोरेन की सरकार है, ये सरकार ना तो यहाँ के लोगों के हितैषी है, ना आदिवासियों के हितैषी है, ना ओबीसी के हितैषी है। वास्तव में झारखंड की सरकार अगर हितैषी है तो दलालों के और बिचौलियों की, उन लोगों को संरक्षण में, उन लोगों की प्रोटेक्शन में ही सरकार लगी हुई है। या स्पष्ट रूप से दिख रहा है किस प्रकार से लोगों को बचा रहे हैं, आर्थिक अपराधियों को जिन लोगों ने लूटा है राज्य को, उस पर आज तक कोई FIR नहीं करना, इस बात को, इस बात की पूरा सबूत है। आगे मैं कहूँगा कि चूँकि मनीष जी यहाँ खड़े हैं, जब सर समय आएगा उस समय हम लोग बताएंगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उस वक्त बताएंगे। आज ही सब बात आपको बता देंगे तो आगे के लिए तो छोड़ दीजिए भाई बाकी चीज़ें। तो मैं कह रहा था कि मनीष जी यहाँ हैं, और हजारीबाग के बारे में आप सबको पता है, इन्होंने कल विधानसभा में भी मामला उठाया। आज दो व्यक्ति यहाँ विधानसभा में भी और मुख्यमंत्री के यहाँ भी लोग गए थे 20 तारीख, यानी 18 तारीख से पैदल हजारीबाग से चल करके दो राम भक्त रांची तक पैदल चले। अभी यहाँ ऊपर लॉबी में ही बैठे हुए एक अजय कुमार दास है, एक पुरुषोत्तम पांडे है, वो दोनों आ गए देखिए। और 18 से पैदल चल करके 20 तारीख को पहुँचे, और 20 तारीख से मुख्यमंत्री से मिलने की दोनों ने प्रयास किया। वहाँ पर मिलने का समय नहीं दिया, इन लोगों से अभी तक वो मिला नहीं। अभी लोग यहाँ आए हुए हैं, गवर्नर से भी मिलने की कोशिश की, हमने गवर्नर के बारे में पता किया, यहाँ से वो चले गए हैं देवघर और कल शाम तक लौटेंगे। तो मैं कह रहा था कि रामनवमी के जुलूस को लेकर के जिस प्रकार से सरकार की जो रवैया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आप सोच सकते हो कि 5,000 से अधिक लोगों के ऊपर 107 करना, 9 लोगों के ऊपर तो शायद FIR ही किया है, जो लोग धरना पर बैठे हुए थे जानकारी मिली उन लोगों को भी डरा करके धमका करके हटाए, नहीं तो जिला बदर कर देंगे। भाई लोगों की मांग क्या है जो बरसों से वहाँ चल रहा है, उसमें से साफ साफ ही लोगों ने कहा कि भाई प्रशासन चाहे तो DJ का वॉल्यूम वह मानक तय करे। कहने का अर्थ है कि बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि ये लोग कि भाई आप उसका जो वॉल्यूम होता है DJ का एक तय कर दीजिए कि भाई इतना वॉल्यूम में ही बजेगी, क्या दिक्कत है। ये कोई बिल्कुल मांग उन लोगों की वाजिब है। और साथ ही कहता है कि भक्ति गाने को भी शॉर्टलिस्ट करें, यानी सरकार की ओर से जो भक्ति गाने पूजा समिति की ओर से आप मंगा लीजिए, आप पूरे सुन लीजिए, और उसमें से जो आप 10-5 जो आप सेलेक्ट करेंगे फिर उसी को लोग बजाएंगे भक्ति गाना को भी, उसमें भी कहीं कोई लोगों की डिमांड कोई गलत नहीं है। उसके साथ साथ कह रहे हैं कि भाई फुहड़ और अश्लील गाने पर सरकार रोक लगावे। अब इतनी अच्छी और इतनी सुंदर डिमांड है जनता की ओर से, और उसके बाद सरकार यानी जुलूस में DJ नहीं बजेगी, अपनी जिद पर अड़ी हुई है,
तो आप सोच सकते हैं भाई किन लोगों को खुश करने पर, आखिर किन को आपत्ति है डीजी से, ये सरकार को बतानी चाहिए किन लोगों ने कोई आपत्ति किया है। आज आप देखेंगे कि भाई डीजी तो क्या, आप तो देखते हैं हम सब लोग किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है कि रोज सवेरे सुबह देखते होंगे 5 बार अजान होता है माइक से, हम लोग दूर दूर तक सुनते हैं, कहाँ किसी को कोई आपत्ति है, कोई किसी ने कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। तो ये सरकार जानबूझ करके जबरदस्ती जिसको कहते हैं इस राज्य के अंदर में हिंदू और मुसलमानों के बीच में तफरका पैदा कराना, इसकी एक प्रकार से षड्यंत्र है, सुनियोजित साजिश के तहत इन्होंने इस प्रकार की ये जो बंदिश लगाई है। और ये एकाएक नहीं हो रही है घटना, लगातार आप देखेंगे उर्दू से लेकर के विद्यालयों में उर्दू स्कूल लिखवाना, वहाँ प्रार्थना में क्या हो रहा है, आज तक किसी को कोई सजा नहीं मिली। फिर पिछले दिनों देखे कहाँ पाकी में जो घटना घटी शिवरात्रि के दिन में, जानबूझ करके जिन लोगों ने मारपीट किया, जिन लोगों ने आपत्ति किया, तोरण द्वार बनाने से गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए थी तो मामला सलट जाता, लेकिन समाज दोनों को लड़ने दिया और फिर बाद में दोनों तरफ से दोनों ओर केस कर दिया दोनों ओर से। यानी समाज को कैसे लड़ा रही है आज इस राज्य में सरकार, वो इसका उदाहरण है। अब रांची में तो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जुलूस जो निकाला था पिछले साल 22 के मई या जून का महीना था, आप सबको ध्यान में होगा, किसी ने कोई प्रभोग नहीं किया था, अपने अपने रोड पर लोग निकले, इसके बाद हंगामा हुआ, फिर घटनाएं घटी वो आप सबके सामने। आज तक सरकार ने उस जांच को पूरी नहीं की और जितनी लोग उसमें, आज तो सब वीडियो में कैद रहता है, जो जो लोग लीड कर रहे थे उनके ऊपर केस होनी चाहिए थे, उनके ऊपर गिरफ्तारी होनी चाहिए था, लेकिन पूरे फाइल को सरकार ने दबा करके रखा हुआ। और इसलिए मैं कहूँगा कि आज अगर सरकार वर्ग विशेष को खुश करने के लिए और अनावश्यक तनाव को पैदा करने के लिए अगर ये हरकत कर रही है तो राज्य के लिए उचित नहीं है और इससे कानून व्यवस्था सुधरेगी नहीं बल्कि और बिगड़ेगी। समाज में धीरे धीरे आक्रोश बढ़ेगा, जो एक साथ लोग रह रहे थे वो भी एक दूसरे को दुश्मन बनाने में सरकार कहीं ना कहीं प्रभोग कर रही लोगों को, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए हम फिर से हेमंत सोरेन जी से ये मांग करते हैं सरकार से कि भाई हजारीबाग सहित पूरे झारखंड में आप डीजे का एक मानक तय कर दीजिए, इतना वॉल्यूम से अधिक में कोई नहीं बजाएगा, गीत संगीत जितनी भी होती है भक्तिगान उसको भी आप सेलेक्ट कर दीजिए कि भाई यही सब बजेंगे, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे लगता है कि आज हमारी ओर से इतना ही कह करके बहुत बहुत www.thefollowup.in